मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। सावन के आगमन के साथ ही राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर रुक रुक कर बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों की मेहरबानी कम नजर आ रही है, या फिर यूं कह लीजिए अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारिश की कमी बनी हुई। लेकिन फिलहाल राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि प्रदेश में मानसून का दूसरा फेज 22 या 23 जुलाई से फिर से शुरू हो रहा है। मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार हवाओं के बदलते ही प्रदेश में मानसून कमजोर होता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटों में 1 से लेकर 4 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम को झालावाड़, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बारां के आसपास कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उससे पहले अभी अभी मौसम विभाग की ओर से तत्कालीन पूर्वानुमान जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम को यानी कि 2-4 घंटों के बाद झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर यहाँ पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लेकिन यह अपडेट, यह अलर्ट अगले 2-4 घंटों का ही है। इसे तत्कालीन पूर्वानुमान भी कहा जाता है। हालांकि कल के लिए कोई विशेष अलर्ट नहीं है। लेकिन इसी बीच बड़ी खुशखबरी यह है, मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ऊपरी स्तरों पर एक नया परिसंचरण तंत्र बनने की ओर अग्रसर है, जिसके चलते एक बार फिर राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। राजस्थान में दूसरे दौर की बारिश 22 और 23 जुलाई से शुरू होगी। माना जा रहा है कि 3 से लेकर 4 दिन तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान मूसलाधार बारिश के आसार हैं। देखिए आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आज यानी कि बुधवार तक राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान हो सकता है कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन आज बारिश की गतिविधियां पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी कम रहेगी और गुरुवार यानी कि कल बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद बारिश की फिर वापसी होगी, जो पूरे प्रदेश में भारी से अति भारी रूप में बरसेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। प्रदेश में 22 या 23 जुलाई से फिर से बारिश की संभावना बन रही है, जो पूरे प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। तो यही थी फिलहाल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।